बेटा टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द बोन्स, मेन बोन्स हमारी कौन कौन सी होती है, प्लस फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा, नाइन्थ टेंथ में, बट इसके जो रिलेटेड चीजें हमारे को स्पोर्ट्स में वो आपको इसमें उन्होंने कराई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द फ्रेम फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। आपने उसमें सिस्टम भी नहीं लिखे बच्चों ने, सारे आपको आते नहीं, ये तीन ही लिखे हैं मैक्सिमम सबने, नाइन होते हैं, आपने आठ लिखे हैं, फाइव फाइव फाइव। बेटा एक मिनट, ऐसे ऐसे डिस्कस नहीं करनी है, इसको पूछने दो। हाँ बोलो, यू जस्ट स्टैंड अप बेटा, लिसन, बोलो सिस्टम। और इसके अलावा लिखो फटाफट लिखो, फिर तुम भूल जाओगे बेटा। राइट डाउन स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कौन कौन से तुमको आते हैं पहले ये लिखो अपने। चलो रैन तो फिर गड़बड़ होएगा सर, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर्स, जी एल ए एन डी यू एल ए आर, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितने हो गए बेटा? नाइन हो गए, नाइन हो गए ना, ठीक है। देन यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन सिस्टम, जो आपको मेन इसमें जो स्केलेटन सिस्टम है इंपॉर्टेंस में भी आपने कल हार्डली, मेरे ख्याल आपने अलग अलग लिख के दिए, एक बच्चे ने वो भी मैंने जब बताया बाद में दिया, तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की? स्ट्रक्चर कंबाइन ही पूछा होता है जब आपको क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट। नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन जब पूछा है आपको कंबाइन, तो कंबाइन यू हैव टू राइट, ठीक है ना। अगर आपको सिंगल पूछा है कि इसके बताओ, फिर देन यू हैव टू राइट। यस, स्पोर्ट्स इंजरी, वो तो मेन आपका आना ही आना है, इंजरी से बता, लिसन, इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आपको रिहेबिलिटेशन में यूजफुल होता है, आपको डाइट के बारे में बताता है, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, फिटनेस आपकी इंप्रूव होती है, सारे आपने पॉइंट वाइज लिखने। और एक चीज माइंड में रखना, वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स फोर मार्क्स, मोस्टली क्या होता है थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ही ऐसा लिखा होगा कि राइट एनी थ्री इंपॉर्टेंस, ठीक है, राइट एनी थ्री प्रिंसिपल, राइट एनी थ्री क्वालिटीज, देन इट इज ओके, देन यू हैव टू राइट ओनली थ्री। बट वेन एवर क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स,
You have to explain the importance, then maximum points you have to write. Simple है, वहां पे आपको कुछ नहीं पूछा, जो आपको आते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो, उसको एक लाइन आगे आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ये नहीं है कि 4 marks का क्वेश्चन है और आपने वहां पे 4 points लिख दिए, उन्होंने आपको 4 नहीं पूछे। आपको अगर उन्होंने पूछा है कि राइट एनी 4, देन यू हैव टू राइट 4, अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हमने बोन से रिलेटेड है, कौन कौन सी बोन होती है जो आपको पता है? नेम बेटा पूछ रहा हूँ, ऐसे तो सारी जगह होती है। हाँ, ऊपर से स्कल से शुरू हो जाओ आप, स्कल बोन्स, देन ईयर वाली, हाँ वर्टिब्रा, हाँ जॉज होगी, स्कल्स होगी, ये क्लेविकल बोन होगी है, स्टर्नम हो गया है, रिब्स की बोन्स होगी आपकी, ठीक है, फिर हिप्स में पेल्विक आ गई है, देन फ्यूमर आ गई, ह्यूमर आ गई है, रेडियस अल्ना, ठीक है, कार्पल, मेटा कार्पल, ये जो मेन मसल्स है आपको, बोन्स है, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 206 फॉर एडल्ट। स्कल में मेन होगी आपकी, ठीक है, उसके बाद जो मेन आपको स्कैपुला, इस बोन को क्या बोलते हैं हम, व्हाट वी कॉल दिस, ये वाली बोन, ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पे होलो स्पेस, यहाँ होलो स्पेस है कि यहाँ गड्ढा सा बना है, देखो सब बना है ना। जो आप शॉर्ट पुट है ना, शॉर्ट पुट की भी प्लेसमेंट यहीं पे होती है, जो हम उसको बोलते हैं होलो स्पेस, ये आपने देखा ना, ऐसे ईयर के नीचे ऐसे यहाँ पे उसको रेस्ट करते हैं, हैंड पे नहीं रखा होता, और उन्हें यहाँ टच करते हैं बॉडी के साथ, ठीक है। क्लेविकल बोन, और इसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं चढ़ता है, आपको पता है ना, वेन एवर देर इज एनी फ्रैक्चर, आपकी क्लेविकल बोन होगी है, आपके रिब्स होगी है, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर जब हो जाए तो वहां पे क्या होता है, रेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लास्टर नहीं चढ़ता है, तो मोस्टली फिर वो क्या करते हैं, नो मूवमेंट ओनली बेड रेस्ट। स्पाइनल में, बैक में कोई प्रॉब्लम, किसी की इंजरीज हो जाए, वो सबसे डेंजरस होती है, समटाइम इट विल बी, अगर ज्यादा आपका डेंजरस आपका, अभी आपने देखा होगा एक लड़का, आपने वहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज में आते हैं हमारे, इज अ वेरी सीनियर साइक्लिस्ट फ्रॉम पंजाब, वो हॉलैंड में कहीं पे कोई इवेंट था, वहां से वो साइकिल से गिर गए, तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि मे बी यू आर थ्रू आउट द लाइफ बेड पे रहोगे, बट वो जब उनको वापस इंडिया आया, ही यूज्ड टू डू एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट, नाउडेज ही इज कमिंग डेली इन स्पोर्ट्स कॉलेज, डॉक्टर ने बोल दिया था आप उठ नहीं सकोगे। हाँ, प्रॉब्लम है अभी कि वो प्रॉपर, मतलब जैसे हम वॉक करते हैं वैसे नहीं कर सकते, बट अपने आप ड्राइव करके आते हैं और कोचिंग वहां पे देते हैं, ही इज अ थ्रोइंग कोच। वो सारा जो आप बोलते हैं ना रिकवरी, वो आपकी विल पावर पे 99% लोग छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जितने भी कोई ऐसी इंजरीज होती है ना, जो सीरियस, जहां पे बहुत ज्यादा आपका कोई ऑपरेशन किसी का हुआ हो, या कोई जैसे आपने देखा होगा नाउडेज कैंसर, नाम सुनते ही आधे लोग, ठीक है, तो कुछ एक चीजें ऐसी है, वहां पे विल पावर आपकी आपको सरवाइव करती है। जितना आप स्ट्रांग होगे, जितना आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, तो आधी चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती है। तो वो हमारा बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने, वो खुद बताते हैं अपनी सारी स्टोरी, डेली उन्होंने आना है, सुबह भी शाम को भी, ठीक है। तो वो विल पावर से ही बैट छोड़ा उन्होंने,
तो ये चीजें सारी आपकी क्या है, आपने अगर सोचते रहो कुछ नहीं होगा। वन शुड बी प्रैक्टिकल। ये जो इंजरीज हैं, ये इंजरीज में बहुत ऐसा हुआ है, अभी आपका एक जिमनास्ट थी इंडिया का बहुत अच्छी, उसको क्या हुआ, लैंडिंग हेड पे कर गई है, डैमेज हो गई है, नाउ शी इज इन बैड। ये कुछ एक इंजरीज ऐसी होती है, स्पाइनल की होगी, रिब्स वगैरह, ये तो चलो ठीक हो जाती है, जो स्पाइनल वाली है वो थ्रू आउट फिर बेड रेस्ट ही होता है, क्योंकि सारा सिस्टम आपका ब्रेन से लेग्स सारी मूवमेंट यहीं से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्केपुला क्लेविकल बोन, इसको हम बोलते हैं, जब भी हम शोल्डर पे रखते हैं ना शॉर्ट पुट को, तो हम बोलते हैं होल्डिंग प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अंडर द ईयर नियर योर क्लेविकल बोन हॉलो स्पेस। ये हॉलो स्पेस सबके बना होता है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होती है, देन योर स्टांस, ये आपकी अल्ना इनसाइड वाली होगी है, रेडियस आउटसाइड वाली बोन, ठीक है। ये वाली बोन कौन सी होती है, बाइसेप्स, लॉन्गेस्ट आपने कल पढ़ी कौन सी थी, फीमर, ये हो गई ये ह्यूमर। ये याद रखना है, ये चीजें आपको मेन पूछेंगे, और लोकेशन भी यू हैव रिटर्न द लोकेशन भी आपने अच्छी नहीं लिखी है, यहाँ अपर आर्म, लोअर आर्म, ठीक है। लोअर आर्म क्या होगी, ये होगी बाइसेप्स फ्रंट, अपर आर्म ट्राइसेप्स ऑपोजिट टू बाइसेप्स अपर बैक साइड, ऐसे लिखना, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होगी, रिप्स होगी है, फिर देन आपके पास ये जो मेटाकार्पल एंड कार्पल, फिर फ्लेंजेस जो आपकी छोटी छोटी फिंगर्स में बोन होती है, इनका मेन काम होता है फोर्स। आपने वो देखे मार्शल आर्ट वाले, व्हेन दे आर डेमोंस्ट्रेटिंग ब्रेकिंग करते हैं, वो आपका ब्रिक्स को, ट्यूब्स को, कोई भी चीज को ब्रेक करते हैं, यू हैव सीन कि वो क्या करते हैं, ऐसे उन्होंने ब्रिक्स रखी होती है, उसके बाद वो पूरी उन्होंने, और सम टाइम जो एक इनसे भी कई ऊपर ऐसे वो ऐसे हिट करते हैं, नीचे वाली टूटेगी ऊपर वाली नहीं, वो भी मास्टरी है। हाँ जी हाँ जी, मेडिटेशन, उनकी मेडिटेशन पता कितनी करते हैं वो लोग, जो आपने देखा होगा आपने कई, वो जिनको हम बोलते हैं निंजास, मॉन्क्स, वो कहते हैं वॉल में ऐसे चढ़ जाते हैं, उनकी जो छोटे बच्चों की एक्सरसाइजेज आप देखोगे, एक बच्चा बड़ा आता है, वो व्हाट्सएप पे भी हो उसका, उसकी डॉक्यूमेंट्री कई वो बनी है उसकी, वो लिटरली रो रहे होते हैं बच्चे, और उनकी फिटनेस ऐसी है, एक उन्होंने कोई दिखाई है स्टेयर्स, वो ऐसी स्टेयर्स है, उसको वो स्टेयर्स को जंप करके जा रहे हैं। अगर आप स्टेज में जब हम जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, अगर आप करोगे थोड़ी सी भी, आपको नेक्स्ट डे क्या थोड़ी देर बाद आपसे बहुत, मतलब आपको वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है, जैसे हम स्टैंडिंग बर्फी जंप करते हैं, ब्रॉड जंप करते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूसली करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको थकावट आपको होगी, दैट इज मोस्ट स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो वो बच्चे छोटे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसी एक्सरसाइज है कि वो अगर नहीं करेंगे गिर जाएंगे, तो उनको मतलब वो पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम गिरेंगे फिर भी चोट लगेगी, उनको ऐसी सिचुएशन में एक्सरसाइज करवाते हैं। पेड़ों के ऊपर दो ऐसे रखे, उसके ऊपर उसको कर दिया है स्प्रेड योर लेग्स, हम ऐसे उससे भी डाउनवर्ड आएंगे वो नीचे, और यू हैव सीन द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ, मुझको अभी तक याद आ रहा है, चाइना में जब ओलंपिक हुए थे एट दैट टाइम, उन्होंने वहां पे डेमोंस्ट्रेट किया था, जो आपके भाले होते हैं ना स्पीयर्स, उसके ऊपर ऐसे लगा के उसके ऊपर ऐसे फ्लैट वो लेते हैं, आप वो देख लो कि उनका क्या लेवल है, आपने देखा ही होगा जो वर्ल्ड में, मतलब कई आपने ऐसी देखे को देख नहीं सकते बॉडी में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको ये सोच के नहीं आएगी, दैट इज योर विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे फ्लेंजेस में बोल रहा हूँ, एक वो मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, एक वो एक, अब नहीं मैंने देखा,
काफी टाइम हो गया, उसमें वर्ल्ड के जो आपकी सोच से भी पीछे जो काम करते हैं उनको एक टॉपिक पता नहीं क्या दिया था उन्होंने, दैट इज मतलब आप अनएक्सपेक्टेड जो आपकी सोच से भी बाहर है वो काम वो करते हैं, दे आर ऑल ह्यूमन बींग। एक वो आया गया जी उसको फ्राई पैन सा दे दिया, उसने जैसे आप बॉल को नहीं करते, कागज को हम ऐसे नहीं करते, ऐसे यूं यूं किया और एक मिनट में उसकी बॉल बना दी। उसको बोलते हैं कि उसकी रिस्ट में इज अ मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा ट्रक को खींच रहे हैं, वो क्या है सोच सकते हो आप, बालों से खींच रहे हो, दांतों से खींच रहे हो, वेट को उठा रहे हो, हाँ वो ट्यूब वाला। अब आप ये सोचो, हम बोलते हैं डॉक्टर आपने कोई चीज तो नहीं खा ली, आपके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो रोज खा रहे हैं फिर चलेगा ये, मतलब ये कुछ सोच से भी हमारी कैसे लोग हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जो आप ऊपर से आप डाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो पैराशूटर्स हैं। अब जैसे आर्मी की ट्रेनिंग है ना, व्हाट हैपन, वहां पे क्या होता है आपको हर चीज कंपलसरी है, एयर वाटर स्पेस फायर, ये एयर वाटर फायर, ये तीनों चीजें मोस्ट डेंजरस है। जो कमांडोस ट्रेनिंग देते हैं, अगर सपोज अगर आप में भी कोई जाता है एनडीए के लिए, तो वो क्या करते हैं आपको मैप दे के वहां पे उतार देंगे, खाना आपको डाल देंगे, आपने चार दिन बाद आना है जी, दो दिन बाद आना है, पांच दिन बाद आना है, और वो जो एरिया है ना देहरादून में, दैट इज आप अगर गए हो वहां लिखा हुआ बी वेयर ऑफ एलिफेंट्स, वो हाथी के हाथी वहां से चलते हैं क्रॉस करते हैं, तो वहां पे दे अवॉइड कि शाम को या सम टाइम अगर वो आ रहे हैं उनका कोई ग्रुप में आते हैं तो आप अपना रास्ता चेंज कर लो, पीछे चल जाओ, दाएं बाएं हो जाओ, अदरवाइज वो जब ग्रुप में जाते हैं तो वो उनका मेन मकसद अटैक करना नहीं होता, अपनी सेफ्टी को चक्कर में वो दूसरों को हर्ट कर देते हैं। तो वहां पे उसी एरिया में वो जो फॉरेस्ट एरिया वहां पे मोस्टली उनको लैंड करते हैं जो एनडीए के बच्चे हैं देहरादून से, फिर उनको एयर ड्रॉपिंग कराते हैं। एयर ड्रॉपिंग में क्या कितने थाउजेंड पे जा रहे हैं जी, जब वो देखते हैं नीचे तो फर्स्ट टाइम कौन करेगा, तो जो आपके ट्रेनर्स होते हैं ना वो रैंक में अगर छोटे भी होते हैं वो बोलेंगे सर जंप, फिर बोलेंगे सर जंप, तीसरी बार सर नहीं बोलेंगे, फिर वो बोल के जाओ, नेचुरली वो तो उनको कंपलसरी है करना। पैरा ड्रॉपिंग अगर आपको किसी एरिया में आपको ड्रॉपिंग करनी है तो आपको तो लैंड करना पड़ेगा ना, वो फिर आपको तीसरी बारी बोलेंगे जाओ, वो एक डर होता है जब आपका निकल गया है, नेक्स्ट टाइम आप अपने आप जंप करोगे। जब जो आपके नेवी में जाते हैं उनको थर्ड फ्लोर पता नहीं कितने फ्लोर से पानी में जंप करवाते हैं, क्योंकि आपने पानी में रहना है, अगर आपको यही डाइविंग का आपको ये नहीं पता कि हाउ यू हैव टू सर्वाइव, कुछ भी हो गया आपके शिप पे हो गया कुछ भी, तो उनको ये प्रैक्टिस देते हैं। तो ये सारी चीजें वो करनी पड़ती हैं। जो माइंस ब्लास्ट होते हैं वहां पे क्या होता है, रिमोट एरिया में पूरी आपकी गाड़ी की गाड़ी 25-30 मीटर ऊपर जाती है, बस वो वाइब्रेशन के साथ ही आदमी मर जाते हैं। जो नक्सली जितने भी है ना माइंस होती हैं, माइंस जब आपके आर्मी वाले जाते हैं बीएसएफ सीआरपीएफ वाले, तो जितने नक्सलाइड एरिया है वो क्या करते हैं, वो सड़कों पे जंगल में माइंस बिछा देते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। उस पर अगर गाड़ी जाती है तो आपने जैसे मूवीज में देखते हो ना गाड़ियों जा रही हैं, तो इतने इतने फीट ऊपर जा रही है, वो सेम ऐसे ही होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसमें जो आदमी बैठे हैं, सम टाइम देयर इज नो सिंगल इंजरीज, कोई ऐसी चीज नहीं लगी है, बट वो उसके आवाज वाइब्रेशन से कोलैप्स कर जाते हैं। तो वो हर चीज का काउंटर चीज बनी होती है, ये सारी चीजें बनी है। इसके बाद आपकी फीमर होगी है, देन पटेला, जिसको नी बोलते हैं हम, ये लिखते रहो टीबिया, ये जो मेन जो आपकी बोन्स है ऊपर, कौन कौन सी होगी स्टार्टिंग से, स्कल, स्टर्नम जो मेन बोन होती है आपकी यहाँ पे रिब्स के दोनों तरफ सेंटर में, ठीक है, स्टर्नम STERNUM, स्टर्नम,
then ribs is a pair of 24. फिर आपका आ गया वर्टिब्रा का सारा क्लेविकल बोन, ये आ गई स्कैपुला, ये बैक साइड पे होगी जो पूरा कवर होता है रिब्स को, बैक साइड स्कैपुला SCAPULA स्कैपुला, देन ऊपर वाली ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस दो बोन्स होती हैं यहाँ पे आपके, अल्ना ULNA, अल्ना इनसाइड वाली होती है, ये बाहर वाली रेडियस, रेडियस RADIUS रेडियस, ये मेजर बोन्स हैं, ये आपको मतलब पढ़ाई पढ़ुई छोड़ के भी बात तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन कार्पल रिस्ट के पास जो होती है कार्पल, हाँ कार्पल CARPAL, मेटा कार्पल रिस्ट से नीचे फिंगर्स, उसके बाद मेटा कार्पल के बाद फ्लेंजिस, फ्लेंजिस PHALANGES, ये फिंगर्स की छोटी छोटी जो आपकी बोन्स होती हैं सारी, ठीक है ये ध्यान रखना, मेटा कार्पल फिंगर्स की होती है और मेटा टार्सल लेग्स की होगी, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मेटा कार्पल हैंड्स की होगी और जो टार्सल होगी मेटा टार्सल वो आपकी लेग्स की होगी, मेटा टार्सल, इसके बाद हिप की होगी आपकी, हिप बोन, हिप बोन होगी है, फिर फीमर होगी जो लॉन्गेस्ट आपकी होगी ये, हाँ FEMUR, देन टीबिया TIBIA, टीबिया, फिबुला FIBULA, टीबिया इनसाइड फिबुला आउटसाइड वाली होगी, जो नी कैप है इसको हम बोलते हैं पटेला PATELA, देन टार्सल एंड मेटा टार्सल, वो टार्सल लेग्स की, टार्सल TARSAL, टार्सल मेटा टार्सल फ्लेंजिस, ये आपकी लेग्स की फिंगर्स की सारी, हाँ फ्लेंजिस जो छोटी उसके बाद आगे जाती है ना रिस, ये बोन हो गया जॉइंट्स के आगे वाली जो, ये मेन मेन आपकी बोन्स हैं जिसका मेन आपका यूज होता है, और इसी में बोन इंजरीज होती हैं, वो आपको चैप्टर आएगा प्लस टू में, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रैक्चर्स, आपका एक होता है डिसलोकेशन, जो आपका हम बोलते हैं मोडा उतर गया जी, रिस उतर गई है, ये आपके मोस्टली किसमें होते हैं, जब आप बॉडी कॉन्टेक्ट वाली गेम खेल रहे हो वहां पे ये चांसेस होते हैं इंजरीज के, आप कबड्डी खेल रहे हो रेसलिंग होगी आपकी, ठीक है अपना जो जहां पे भी बॉडी का कुछ ज्यादा कांटेक्ट हो गया, धक्का मुक्की जहां ज्यादा हो जाए जो नजदीक में होगा वहां पे ये चीज होनी होनी है, बास्केटबॉल में इतना नहीं होता क्योंकि उसमें आप लोगों का मेन क्या होता है, जो जितने भी बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं उसमें आपके फाउल एकदम है, अब आप कबड्डी खेल रहे हैं वहां तो आपने जितना पकड़ोगे खींचोगे धक्के से लेके जाओगे जोर लगाओगे वो काम है, यहाँ आपने थोड़ा सा भी फाउल कर दिया एक फाउल दो और बाहर चौथे में आप बाहर, वहां पे टीम फाउल मिल जाएगा फ्री थ्रो मिल जाएगी, तो वो अवॉइड करते हैं कि आप थोड़ा दूर ही रहो आप, हाँ जैसे आप फुटबॉल खेलते हो वहां पे वो शोल्डर मारेंगे आपको स्लाइड मारेंगे, पर वहां पे क्या होता है वहां पे आपकी चोट दूसरी लगेगी, डिसलोकेशन नहीं होगा वहां पे आपका, हाँ रगड़े लग गई है आपका ब्रेकेज ऑफ बोन हो सकती है, डिसलोकेशन नहीं होगी, तो ये डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर भी कई तरह का होता है, सिंपल फ्रैक्चर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जब जब कई बोन्स हो जाए, ठीक है वो डिफरेंट टाइप के, वो आपको अभी सिलेबस में नहीं है, फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए ये कि बोन्स कैसी होती है, ठीक है अब इनकी बोन्स की टाइप्स क्या होगी है? कितने टाइप्स की बोन होती है, फ्लैट बोन होगी है,
इरेगुलर बोन्स हो गई हैं, ठीक है, ये शॉर्ट बोन्स हो गई हैं, ये डिफरेंट टाइप्स है बोन्स की। जो फ्लैट बोन्स हैं वो आपके स्कल में होती हैं, रिब्स में होती हैं, जो आपके ऑर्गन को सेव करती है मेन, और जो लीवर का काम करती है। सेम आपका नेक्स्ट आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मुझको ये बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट। इम्पोर्टेंट को इसके बारे में बताओ, कहाँ होता है, क्या शेप है। कार्डियक मसल्स, वो तो मसल्स होते हैं बेटा, कार्डियक तो मसल्स हो गए ना। अच्छा मेन बताओ आपको, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, विच वन। हाउ मेनी वाल्व्स आर देयर, वाल्व्स। ब्लड सबसे पहले हार्ट में कहां से आता है और क्या उसके बाद कहां जाता है, क्या है? एक एक बेटा, वन बाय वन। कहां से आता है, कौन सी वेन से आता है, वो वेन पता होना चाहिए। कौन कौन से वाल्व से जाता है, सबसे पहले आपका ब्लड क्या हो गया, राइट उसमें आ गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल हम उसको बोलते हैं। वहां पे कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी से कहां पे जाता है फिर वो, ट्राइकोस्पिड, देन मेट्रिक, देन ऑरोटिक वाल्व, उससे आपका पूरा बॉडी पार्ट में, ठीक है, वो ये फंक्शन है आपका हार्ट का। इसी हार्ट के जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, उसी से आपकी पल्स रेट डाउन होती है, आप होती है, जितना आपका ब्लड पंप ज्यादा होगा उतना आपकी पल्स डाउन होगी। ये सारा फंक्शन है। 15 बच्चे ने, आप लोग नहीं क्लास क्यों नहीं लगाते हैं।